अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फिराज़ और आप देख रहे हैं फिराज़ व्लॉग। तो आज इसमें जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें और एक खबर है कतर के हवाले से, जो कि इंडिया से कतर फ्लाइट चालू होने वाली है, मतलब चालू होने वाली नहीं, चालू हो गई है। तो उसके हवाले से क्या नियम है, जो नए नियम लागू हुए हैं कतर में इंडिया से आने पर, उसके हवाले से। इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, वहाँ से लोग आते हैं, तो वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। एक सऊदी अरब की एक खबर यह है कि सऊदी अरब ने जिन देशों को बैन कर रखा है, अगर वहाँ से लोग किसी गलत तरीके से आते हैं, जैसे बस के ज़रिए हो गया, बॉर्डर के ज़रिए हो गया, या फिर किसी भी तरीके से आएंगे, तो उन पर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप लोग अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो हरगिज़ ना करें, 5 लाख रियाल जुर्माना है। एक खबर यह है कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं, जो 49 देश के लिए सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा जारी किया है, उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो, अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं सऊदी अरब में और उनका अरमान होता है कि मैं वहाँ जाके उमरा कर लूँगा, जिसे बहुत लोग खास करके उमरा पैकेज होता है उस पर आते हैं, तो अगर जिन लोग अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं तो वो उमरा कर सकते हैं। अब तो जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं अगर उमरा करना चाहते हैं तो वो उमरा कर सकते हैं। एक खबर ये थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक खबर जो मैंने बताया था कतर के हवाले से है, जो उसमें से चार लगभग 5-6 देश दिए गए हैं, जो मैंने बता दूं कि वो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस वगैरह हैं, उसमें श्रीलंका भी शामिल है। अगर वहाँ के लोग कतर आते हैं तो उनके लिए कुछ नए नियम लागू हुए हैं आज 2 अगस्त से, जो मैं आज ये वीडियो 2 अगस्त को ही शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास कब पहुँचे, मैं कब अपलोड करूं, ये कोई पता नहीं है। तो अगर वहाँ से लोग आते हैं, अगर उन्होंने जैसे कि सऊदी अरब ने मान्यता प्राप्त वैक्सीन, जैसे कि यहाँ पे बताई गई हैं 4 वैक्सीन है, ऐसे वहाँ भी है, तो वो लोग उसमें से वैक्सीन पूरी दोनों खुराक लगवाई है, तो अगर आते हैं तो उनको क्वारंटाइन भी करना होगा। अब होटल क्वारंटाइन है जो उनका करना ज़रूरी है। और एक जगह ये भी लिखा है, अगर उनका PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तो 2 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद क्वारंटाइन से छोड़ दिया जाएगा। तो ये खबर थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।